जिले के तुबसर तहसील के सीता सावंगी गांव के डीएवी पब्लिक स्कूल में 5 दिसंबर को दोपहर तकरीबन 2 बजे के दरमियान एक बड़ी घटना हुई, जिसमें शिक्षक पेशे को मलिन करते हुए बहरेमी से 9वीं क्लास के छात्र को पीटा, जिससे छात्र अधमरा अवस्था में जमीन पर बेहोश होकर पड़ा रहा। शिक्षक पेशे को मलिन करते हुए स्कूल के शिक्षक ने छात्र मयंक के प्यारे लाल धारगावी 9वीं क्लास का छात्र है, उसे मामूली बात पर कहा सुनी हुई। स्कूल में ही वहां के शिक्षक कोमल मेश्राम इन्होंने छात्र को बड़ी बेरहमी से पीटा, जिससे छात्र अधमरा होके बेहोश हो गया। इसकी जानकारी छात्रों के माध्यम से उनके पिताजी को लगी तो स्कूल से भी कॉल आने पर उन्हें बुलाया गया। वे स्कूल पहुंचे तो उनका लड़का मयंक फर्श पर बेसुध अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। उसे तुरंत प्रथम उपचार के लिए PHSC गोबरवाही लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया, जिसके बाद तुमसर के उपचार के लिए लाया गया। इसकी शिकायत गोबरवाही पुलिस को की गई, मामला दर्ज किया गया। अभी तक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया। आगे की जांच पुलिस थाना इंचार्ज दीपक पाटिल कर रहे हैं। उस दिन मतलब स्कूल गया था मैं, स्कूल छूटने के बाद जब हमारी बसेस का अनाउंसमेंट हो रहा था तो वो बस थोड़ी लेट हो गई थी, तो हम पूरे बच्चे लॉबी में रुके थे, चिकला के जितने भी है, तो फिर बेंच वगैरह पे बैठे थे सब। मैं भी उसमें से एक बेंच पे बैठा था, मेरे साइड में एक भैया बैठे थे और एक और भैया बैठे थे, हम दो जन थे और उनके बीच में मैं था। तो मैंने मेरे पैर के ऊपर पैर रख के बैठा था और वो भैया भी रखे थे उन्होंने अपने पैर के ऊपर। तो सर आए और मेरे को बोले कि पैर नीचे कर रहे, फिर मैंने पैर नीचे किया और फिर सर थोड़ा सा उधर गए और मैं भी उधर गया। फिर सर ने मेरे को बोले कि क्यों रे तूने वीडियो बनाया था, तो कुछ ज़्यादा समझ में आ रही क्या? मैंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, और सर ने बिना कुछ सोचे समझे मेरे को पकड़े और मारे, फिर बुक्की मारते रहे। फिर मैं भागा, फिर और मेरे को पकड़ के मारे, फिर और भागा मैं और डर के मारे, फिर और मारते गए। मैं वहाँ से जान बचा के भाग गया, वरना सर मेरे को वही मार देते। मी प्यारेलाल धारगावे राहणार चिखला, माझा मुलगा DAV माईल पब्लिक स्कूल सीता सांगी येथे 9व्या वर्गात शिकतो। नेहमीप्रमाणे स्कूल बसने शाळेत जातो। दिनांक 5/12/2022 सुद्धा नेहमीप्रमाणे शाळेत गेला आणि 3:15 अचानक स्कूल बसचे मुलं आले माझ्या घरी, माझ्या गावचे, माझ्या मुलाच्या वर्गातले, आणि त्यांनी मला सांगितले की अंकल तुम्हारे लड़के को मयंक को सर ने बहुत मारे है, आप स्कूल में जाके ला लो, वो आ नहीं सकता, अधमरा हो गया है। ते ऐकत असताना मला शाळेतून विनोद सरांचा फोन आला, त्यांनी मला सांगितलं की तुम स्कूल आ जाओ बच्चे को लेने। तो मी त्यांना म्हटलं की माझा मुलगा बस नाही तुम्ही कशाला येऊ, तर नाही म्हणे त्या सरांनी, कोमल सरांनी त्याला मारलं तर आपण येऊन शाळेतून त्याला घेऊन जा। ते लगेच ऐकताच मी आणि माझी पत्नी आम्ही शाळा गाठली सीता सांगी, आणि शाळेत गेल्यावर पाहिलं मी तर माझा मुलगा एकदम अधमऱ्या अवस्थेत, बेसुद्ध अवस्थेसारख्या याच्यामध्ये पडलेला होता शाळेत, आणि ते शिक्षक लोक त्याच्या आजूबाजूला उभे होते। मग मी एकदम ओरडलो की मी शाळेत मुलांना शिकवायला पाठवतो की मार खायला, मी माझ्या मुलांना शिकवायची तुम्हाला दर महिन्याला फीस देतो, आणि तुम्ही अशा प्रकारे येऊन मारता माझ्या मुलांना। प्रिन्सिपल आणि सरांना मी रागावलो आणि तिथून डायरेक्ट मी PHC गोबरवाहीला आपल्या मुलाला प्राथमिक आरोग्य उपचारासाठी घेऊन गेलो आणि तिथे भरती केला, आणि मग तिथून पोलीस स्टेशन गाठलं गोबरवाही, आणि तिथे मी लेखी तक्रार देऊन कोमल सर आणि शाळा प्रशासनाच्या विरोधात लेखी तक्रार दिलेली आहे। माझ्या मुलाला न्याय हवा आहे, माझ्या मुलाला न्याय मिळाला नाही तर मी आणि माझा मुलगा DAV मोबाईल पब्लिक स्कूलच्या समोर आत्मदहन केल्याशिवाय राहणार नाही। BCN न्यूज के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंधलूरे की रिपोर्ट।